शारदीय नवरात्रि की महानवमी 23 अक्टूबर 2023 सोमवार को है। ये दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। आश्विन शुक्ल नवमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 को रात 8 बजे तक 23 अक्टूबर 2023 को शाम 5:45 तक रहेगी। नवमी तिथि शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन हवन यज्ञ कर नवरात्रि के 9 दिन की पूजा होती है, व्रत संपन्न किए जाते हैं। नवरात्रि में नवमी के दिन माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए हवन के लिए आवश्यक सामग्री की रूप में सबसे जरूरी है हवन कुंड। हवन में भविष्य के लिए धूप, जौ, नारियल, गूगल, मखाना, काजू, किशमिश, छुआरा, मूंगफली, बेलपत्र, शहद, घी, सुगंध, अक्षत चाहिए। इन सभी को मिलाकर भविष्य बना लें। भविष्य उसे कहते हैं जिन्हें हवन के दौरान अग्नि में डालते हैं। हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करने के लिए रुई, आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, कपूर और माचिस चाहिए। माँ दुर्गा हवन विधि मंत्र माता दुर्गा के लिए हवन करते समय ओम ह्रैं क्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये नमः इस बीज मंत्र से 108 बार हवन कुंड में भविष्य डालें। अंत में खीर और शहद मिलाकर इसी मंत्र से हवन कुंड में आहुति दें। अंत में शिव जी और ब्रह्मा जी के नाम से आहुति दें। हवन के बाद आरती करें और हवन का भभूत सभी लोग लगाएं। हवन पूर्ण होने पर कन्या भोजन अवश्य करवाएं। शारदीय नवरात्रि व्रत का पारणा 24 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:27 के बाद से किया जाएगा। निर्णय सिंधु के अनुसार नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा से लेकर नवमी तक करना ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए व्रत को पूर्ण नवमी तक करना चाहिए। दशमी को व्रत खोलना चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से साफ करें। सबसे पहले कलश और भगवान गणेश जी की पूजा करें। माँ सिद्धिदात्री को फल फूल भोग मेवे का भोग लगाएं। माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ सिद्धिदात्री के मंत्रों का जाप इस दिन आपको अवश्य करना चाहिए और इस दिन कथा भी सुनना चाहिए। फिर माता सिद्धिदात्री और दुर्गा जी की आरती करें। अंत में उन्हें भोग लगाकर प्रसाद सभी में बांट दें। माँ के स्वरूप की बात करें तो देवी सिद्धिदात्री माँ कमल पर विराजमान है और शेर की सवारी भी करती है। माँ की 4 भुजाएं हैं जिनमें दाहिने हाथ में उन्होंने गदा लिया हुआ है, दूसरे दाहिने हाथ में चक्र है, दोनों बाएं हाथों में क्रमशः शंख और कमल है। देवी का यह 9वां स्वरूप सभी तरह की सिद्धियों को देने वाला माना गया है। जो नवमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं उस दिन 2 से 10 साल तक की कन्याओं को सम्मान से आमंत्रित करें। जब कन्या घर आए तो उनके चरण धोएं और उन्हें स्थान पर बैठाएं। इसके बाद कन्या के माथे पर अक्षत और कुमकुम लगाएं, फिर भोजन कराएं। भोजन के बाद अपने सामर्थ्य के हिसाब से कन्या को दक्षिणा दें और पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें, फिर उन्हें विदा करें। विदा करते समय उन्हें कुछ प्रसाद भी आप दे सकते हैं। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार दशहरे के दिन देवी दुर्गा की मूर्ति एवं पूजा के कलश का विसर्जन दशमी तिथि लगने के बाद प्रातः काल अर्थात अपराह्न काल में किया जाता है। इस साल यह शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:27 से 8:42 तक रहेगा। दशहरे के दिन देवी दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन से पहले दुर्गा पांडाल में या फिर घरों में महिलाएं सिंदूर खेला का उत्सव मनाती है। इस दिन परंपरा के दौरान महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अपनी मंगल कामनाएं देती हैं। दशहरे को ज्योतिष में अबूझ मुहूर्त माना गया है। हिंदू मान्यता सनातन मान्यता के अनुसार दशहरे के दिन भूमि भवन वाहन आदि तमाम चीजों की खरीदारी को बहुत शुभ माना गया है। इसी प्रकार दशहरे के दिन शमी के पेड़ की पूजा करने पर भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले कन्याओं के पैर धोएं और फिर कन्याओं के पैर धोने के लिए साफ जल रख लें। आप गंगा जल से भी कन्याओं का पैर धो सकते हैं। कन्याओं के पैर धोने के बाद पैरों को पोंछने के लिए एक साफ कपड़ा रख लें। रोली, कन्याओं के माथे पर तिलक लगाने के लिए आप रोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्याओं के माथे में अक्षत भी लगाएं। कलावा, कन्याओं को तिलक लगाने के बाद उनके हाथ में कलावा जरूर बांधें। इस दिन कन्याओं पर पुष्प भी चढ़ाएं। कन्याओं को उड़ाने के लिए चुन्नी की जरूरत भी होती है,
इसलिए आप कन्याओं को चुन्नी अवश्य ओढ़ाएं। आप अपने इच्छा अनुसार फल कन्याओं को भी खिला सकते हैं। कन्याओं के लिए मिठाई भी ले लें और उन्हें मिठाई अवश्य खिलाएं। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और सभी भक्तों पर अपार कृपा बरसाती है। इस दिन आप भोजन सामग्री में कन्याओं के लिए हलवा, पूड़ी, चने आदि कन्याओं के लिए भोजन सामग्री अवश्य ले सकते हैं। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।